हाँ जी सर, सर अपना नाम दस दो, किस मसले का स्वागत कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार बसर है जी, प्रधान मटौर मंदिर मटौर जी। हाँ जी, मेरा नाम राकेश कुमार बंसल जी, प्रधान सतनाम मंदिर मटौर। जल्दी अज असी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस करके बुलाई है कि 11 फरवरी 2023 में साढ़े मंदिर के पिंड शरारती तत्वों ने आके उन्होंने पहले तो आके मंदिर के दफ्तर का तार तोड़िया, तो सीसीटीवी वाली तारा कट के उस डीवीआर चोरी किया जी। तो वह उस बाद मंदिर अंदर गए, मंदिर में संध्या की आरती हो रही थी उस टाइम, आरती नूं डिस्टर्ब करके उन्होंने उत्थों सारियां गोलकां चक्कियां ते इक महिला मंडल के कमरे च रख दित्तियां सारियां, ते माइक बंद कीता। साढ़े वो साढ़े ये बहुत तरह की साढ़े असी मंदिर बेअदबी हुई मंदिर के विच। ते उस तो बाद रात नूं उत्थे उन्होंने भगवान के बर्तन जिन्हां च भोग लगता सीगा उन्होंने विच आप भोजन खाया, की किया उन्होंने अशुद्ध किया जी उन्होंने। तो असी इहदी 112 नंबर ते कंप्लेन कीती पहला, उसके 112 कोई आया नहीं गया, सानू किसी को पता नहीं चला, असं सानू असी पूछा, वो कहते उत्थे चक्कर मार के आ गए जी। फिर असी गए SHO साहब को थाने रिटन कंप्लेट दी उन्होंने, रिटन वो कहते इतने वेट करो मैं मौका देख के आना। वो मौका वेखन चले गए, असी क्या नाल चलते जी, कहते इतने वेट करो मैं जाके आना। उत्थे रात को 11 बजे सानू आ कहते जी भी मैं उत्थे मौका वेख आया, उत्थे 20-25 बंदे बैठे ने, मैं उन्होंने वीडियो बना लिया, तुसी कल नूं आ जाओ, कल नूं आपां गल करदे हां। मैं कहा सर वो रात 9 बजे मंदिर बंद होंदा, इस टाइम ही बैठे ने, तुसी उन्हां ते कारवाई करो। कारवाई क्यों नहीं करते तुसी उन्हां ते? वो कहिंदे इकड़ा कोई रेप दा मसला है वी, जिहड़ा हुणी रात नूं आपां कारवाई कर दईए, कल नूं आ जाणा तुसी, आपां गल करदे हां बैठ के। अगले दिन साडी ओथ सैरेमनी सी, आलरेडी असीं DC मैडम नूं, SSP साहब नूं, प्रशासन नूं, सारे नूं इतलाह कीती हुई सीगी, सानूं सिक्योरिटी मिल गई सी। असीं ओथ सैरेमनी दे दौरान वी उत्थे पुलिस आई, लेकिन वो खाना पूर्ति वास्ते आई, उत्थे उन्होंने सानू बहुत परेशान किया, लेकिन पुलिस ने उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। असी जिवें तिवें करके अपनी ओथ सैरेमनी पूरी की, उस तो बाद शाम को सानू उत्थे फिर बुला लिया जी। बुला के थाने जी कहिंदे तुसी इन्हां नाल बैठ के समझौता कर लो, आप च इदां कर लो, ये कर लो, जे तुसी अगे शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि का प्रोग्राम तुसी ठीक ढंग नाल मनाउणे दा साडे प्रैशर पाया गया इह, ते ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, DC ਮੈਡਮ ਕੋਲ, ਅਤੇ SP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਕਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ SP ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾ ਲਏ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਰਸਨ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਈਮੇਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 750 ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਸੇਮ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MC ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MC ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਬੰਦਾ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।
तरक्की करता पावर देती की देता कि इन्होंने एडा वड्डा स्टेप चक लिया जी, क्योंकि जे पिछों हौसला होएगा कि कार्रवाई नहीं होनी तो बाकी उन्होंने अगले उन्होंने तो कार्रवाई कोई हो नहीं रही। असी कोई अफसर नहीं छड्डिया सर, थलों किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे सर? असी जो कानून के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई बनती है, जो DDR सर अपना DVR चकना किसी धार्मिक प्लेस का जिते 32 कैमरे लगे हैं, तुम आके ताला तोड़ दे उत्थे दा, जो ताला तोड़ने की कार्रवाई है, जो कैमरा तारा कढ़न की या DVR चोरी करने की रिकॉर्ड खुरदपुर करने की, तो जो साड़ी बेअदबी की इन्होंने संध्या की आरती के टाइम इन्होंने गुलकां चक लिया, माइक बंद करते, जो ये जो इन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई उ चाहते कि इन्होंने वो कार्रवाई हो कि अगले कोई जरूरत ना कर सके। सर अज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो तेरे वालों कहा गया कि तुहाडे ते कई इल्जाम लगाए गए कि गल्ला चोरी दे सनातन धर्म वेलफेयर सोसाइटी काम करती है, जिसे मैं 99 to 10 तक वाइस प्रधान रहा, फिर मैं 17 तो लेकर 19 तक वाइस प्रधान रहा, हूँ मैं जनरल सैकटरी चुनिया गया नवी बनाई कमेटी 22 च, ठीक है जी। इतने असी एक 17 च कमेटी बनाई सी, ये बनाई सी 1-10-17 नूं पहला प्रधान सी जिहड़ा उहने चैलेंज कर लिया कोर्ट च, उत्थे 2 महीने केस चलिया, उत्थे दोनों प्रधान नवा प्रधान बनाया सी सिकंदर शर्मा, दोनों का फैसला हो गया। फैसला होने तो बाद उहने कहा भी चल अपनी कमेटी तू दुबारा बना लै, उहदे च दुबारा जब कमेटी बनाई गई मैनूं फिर वाइस प्रधान पाया गया 17 च। वह कमेटी साडी बहुत वधिया चली हैगी एंड तक, लेकिन सिकंदर शर्मा जिहड़ा हैगा जी इहदी नीयत खराब हो गई है। वह भी क्यों हुई वह भी थानू थोड़ा मैं पिछला भी दस दिना, जी गऊशाला है जी ये सुरिंदर लखनपाल है कि कुड़मेगा अश्विनी वैद का सहुरा सिकंदर शर्मे का कुड़मा, इसने यदि 20 बंदे के जाली सैन करके जाली कमेटी बना ली, जिसते अपना क्राइम ब्रांच ने परचा दर्ज किया वा 420 का, वो केस चल रहा कोर्ट के, बचा चाहते किसी भी ढंग तरीके का, उन्होंने बचाने वास्ते इन्होंने भी असी कमेटी के काबज रही है, असी बयान देकर उन्होंने बचा लवेंगे। चलो जी कमेटी का जो टाइम से साढ़े चली गई है कमेटी, इन्होंने मैं मता भी पा के दिता हो तू गौशाला के जो जरली बंदे कम कर रहे हैं ना भी उन्होंने विरुद्ध कार्रवाई कर, सिकंदर शर्मा ने पा के दिता सैन है 14-15 मैंबर के सैन है, ठीक है जी। उस तो मगरों इन्होंने की किया कमेटी चली गई, पर इन्हें सानू नहीं दस्या किसी ना जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है ना गवर्निंग बॉडी बुलाई। आ देखो जी 10-9-18 ने एक मता आप ही कल्ले नहीं लिख लिया, अपने भी सैन नहीं किए हुए उपर कि मैं कोर्ट तो बनया हो, मैं कोर्ट के ऑर्डर कमेटी बनाया, इन्हें दोबारा कमेटी बना के भर ले भर के रखी छे, लेकिन रजिस्ट्रार नहीं दते, इन्हें रजिस्ट्रार दते जाके 19-22-23 तरीक तकरीबन, ठीक है जी। उत्थे देते एक अपना मुंडा एक आप एक अपना कुड़म जिसते 420 का परचा दर्ज है, मुख्य संयोजक लाते ते 2-3 गौशाला जो प्रधान है एक जनरल सैकटरी है वकील इन्हों रलिया हुआ, उन्होंने नौ पा के 8 बंद सहन है, 1-9 के सहन ही नहीं, उन्होंने 6 बंद परचे दर्ज है 5 लड़ाई झगड़े का 1-420 का, उन्होंने नाल कमेटी बना के उत्थे देती है। असी इन्हों मेरे को 5-6 एप्लीकेशन पट मैंबर ने पैंठ मैंबर ने बेनती की भी भाई तुम चोण करा दो नजायज़ बैठे हो, पर यह बंदा नहीं मनिया जी चोणा कराने वास्ते, मंदिर चाह मनिया जी इन्होंने इन चोणा करवाइया, सगो एक बार इन्होंने मेरे नाल लड़ाई झगड़ा किया जो इन्होंने लड़ाई झगड़े का परचा दर्ज होया, तो जो नहीं मने तो पिंड वाले मैंबर ने शहर के मैंबर ने भी मैं मता पा के दिता भी भाई जो चोणा नहीं करवा तू वाइस प्रधान है तेरा हक बनता तू चोणा करवा दे। मैं फिर वो चोणा मीटिंग बुलाई गई चोणा करवाइया जिदे नरेंद्र वत्स न प्रधान बनाया गया, तो उन्होंने मैं फिर जनरल सैकटरी बनाया गया, ठीक है जी। भी ये बंदे किसी ना किसी तरह इतने मंदिर के काबज रहना चाहते और उन्होंने लखनपाल बचाना चाहते, और उन्होंने लखनपाल के नाल जो बंदे है वो बाद च सामने आए, पहले तो जो बंदे से तो गवाहियां दे गए कि साढ़े शहर जाली है, इन्हें होर नवे बंदे भर्ती कर ले, एक हैगा अपना धीरज कौशल वकील, एक हैगा हरीश दत्ता जो बादल की कोठी च कम करता है,
उन्हें भी साढ़े एक झूठा जहा केस पाया हो। सिकंदर शर्मा ने भी रामलीला कमेटी के केस पाया हुआ, साढ़े केस इन्हें पाए हुए। एक केस पाया मेरे से और दयावती माता जी 80 साल की है, महिला मंडल की प्रधान, वो केस पाया गया एक भी इन्होंने 10 लाख का गौशाला का नुकसान कर दिया जो कोर्ट साढ़े हक हो गया। एक माता से केस पाया ने महिला मंडल की जल्दी पर्चियां कटती है, वो भी DSP ने बली करती, फिर कोर्ट से लिया, कोर्ट ने भी बली करती। इन्होंने परेशान करने वास्ते उन्होंने सैशन कोर्ट देता गया। तो इधर असी पिछले साल जो रामलीला कराने लगे रामलीला भी नहीं होने दिती, वह भी कोर्ट ने इन्हें स्टे लाई भी इन रामलीला को रोकना नहीं है, वह असी रामलीला करवाई कोर्ट के ऑर्डर। ठीक है जी, ये बंदे हर तरह ना किसी भी ढंग तरीके कहते कि असी मंदिर छड़ना नहीं, इन्हों भुलेखा पै गया भी बस मंदिर साडा ही है, ये किसी का आम जनता का नहीं। वो गल यह है जी, वह सुन लो, वह सुन लो जी, कोई देखो जी, देखो गले असी चुके असी मानते हैं, ये असी इन्हों बुलाते जो कई बार बुलाया गया, ये नहीं आते भज जाते जो असी आने कट्ठे होने भी भाई सानू हिसाब किताब दो, ये हिसाब किताब नहीं देंगे कोई भी। तो उदन असं जो कट्ठे होने ये कहते कहते असी ना गले चक्के ना थोड़े कहते केस पा देना चोरी का, वो फिर इतने बंदे पिंड सारा कट्ठा हो गया, इतने 250 बंदा कट्ठा हो गया, सारा ने फिर सलाह की, सलाह करके सारा ने कहा भी ऐ करो गलियां चक के ना एक कमरे च बंद कर दो और रात को राखी रखो, तो इधर पुलिस को इनफॉर्म कर दो, कोई ना कोई हल निकलेगा। वो गले जी असी चक के ना अपना महिला मंडल का कमरा है वो रखे है, वो रख के अं ताला मारते हैं। असी पुलिस वाले ने कहा भाई चाबियां चाहे तुम ले जाओ चाहे SDM दो किसी भी दो, जबकि असी SDM साहब ने भी पहले दरखास्त दत्तियां हुई भी साड़ी कमेटी बनी हुई है, सानू चार्ज दवाया जाए, हिसाब किताब दवाया जाए। बस कथा ना होने कोई भी कथा ना करा, इतने देखो कि फंक्शन हो रहा है, खल पाने वास्ते मतलब की कर रहे ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਨ
देख ही लो ना आते ना तो किसी के सैन गवर्न बॉडी के ना जनरल बॉडी के कल नहीं कमेटी बना के पांच साल तो इन्हें चार साल तो कब्जा किया हो 19 तो लेके 23 तक ठीक है जी। हाँ असी जो कार्रवाई की सारिया एस डी एम से डी सी साहब दरखास्तां देकर उन्होंने को पैनिक पाई उन्होंने थ्रू काम किया जी जो भी किया गले असी अपनी सेफ्टी वास्ते रखे थे अंदर बाकी कोई इतने नहीं हो यदा ही बता बात का बतंगड़ बनाते क्यों जो पहला भी केस पाया साढ़े तो भी गौशाला नुकसान करते भी कमेटी ने मता पा के तोड़िया मैं कमेटी है भी नहीं चक्के मेरे से केस पाते इस तरह करते गए झूठे वो करते हैं दो केस बरी हो चुके हैं माता भी पर्चिया वाले भी बरी हो चुकी है जो गौशाला तोड़ पाया वो भी फिर इन्हें मेरे और माता के केस पाते आ गए इन्होंने गवें चोरी कर लिया वो भी दरखास्त झूठी पाई गई है फिर माता की एक दरखास्त देती भी इन्होंने चाबियां खोलिया मंदिर दिया चाबियां चक लिया चोरी कर लिया वो भी दरखास्त झूठी पाई गई है पता नहीं ये कागज रहने वास्ते हर हिले वरतते भाई पता नहीं इन्हें कि दरखास्तों दी लेकिन सारिया झूठिया पाई गई कोई एक भी सच्ची दिखा दो कोई खर्चा साढ़े से कोई दर्ज होया हो।